कोरोना का जोर टूट गया। केसेस और अंबात में मुसलसल कमी होने लगी। मौलिक वायरस ने 23 अफराद की जान ले ली, जिसके बाद अंबात की तादाद 5,865 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,75,225 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 936 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 92,279, सिंध में 1,18,824, खैबर पख्तूनख्वा में 33,510, बलूचिस्तान में 11,624, गिलगित बल्तिस्तान में 2,010, इस्लामाबाद में 14,938, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,040 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,125, सिंध में 2,162, खैबर पख्तूनख्वा में 1,180, इस्लामाबाद में 165, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 48 और आज़ाद कश्मीर में 49 मरीज जान से हाथ धो बैठे। चलास में दहशत गर्दों की मौजूदगी की तला पर कार्रवाई के दौरान 5 CTD अहलकार शहीद हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। चलास के इलाके रोनई महल्ला में रात गए इंसदादे दहशतगर्द यूनिट ने गिलगित में घर पर छापा मारा। इस दौरान दहशतगर्दों की जानिब से CDD अहलकारों पर जदीद हथियारों से शदीद फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों की फायरिंग से 5 अहलकार शहीद हो गए, जबकि कार्रवाई के दौरान दिगर 2 अफराद भी मारे गए। ऑपरेशन मुलजमान की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर किया गया। फायरिंग से 5 अहलकार जख्मी भी हुए, जिन्हें RHQ अस्पताल चलास मुंतकिल कर दिया गया। CDD हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असला भी बरामद किया गया है। CDD इंस्पेक्टर एस दियामीर का कहना है कि रात गए की गई कार्रवाई पर तहकीकात जारी है। शोधा में एक CDD का इंस्पेक्टर भी शामिल है। शेर खान ने मजीद बताया कि शहीद की शनाख्त SIP सोहराब के नाम से की गई है। CDD की जानिब से जारी फहरिस्त के मुताबिक जख्मियों में इंस्पेक्टर नबी खान, कांस्टेबल शकर, हिदायत करीम, शान और मोहम्मद अली शामिल है। मरने वाले मुलजमान की शनाख्त इजहारुल्ला और बशारत के नामों से की गई है। शहीद होने वाले अहलकारों में जुनेद अली, शकील सोहराब, इश्तियाक अहमद, मुर्तजा शामिल हैं। वजीर इत्तला'आत पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात दरअसल सियासी यतीमों की मुलाकात थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने अपने रद्देअमल में कहा कि सिंध में मौलाना की आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी से मुलाकात का चांस जियाउर रहमान की सूरत में चढ़ा था। अब देखें मौलाना की शहबाज शरीफ से मुलाकात क्या गुल खिलाती है। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान 30 साल इक्तदार का नशा उतरने के बाद पूरे मुल्क में मारे मारे फिर रहे हैं। मौलाना के तमाम सियासी राबतों, लॉन्ग मार्च, अदम एतमाद की तहरीकों और APC का हासिल वसूल सिर्फ जग हसाई निकला। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अपोजिशन APC और सियासी गठजोड़ का पॉप सिर्फ अपने वोटरों को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि सिर्फ नालों की सफाई मसले का हल नहीं, उन इलाकों का तफसीली प्लान बनाया जाए जहां घरों में पानी गया है। शहर की तमाम 28 सब डिविजन्स का प्लान दें, मैं तमाम सब डिविजन्स पर वजीर या मुशीर की ड्यूटी लगाऊंगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत मानसून की सूरत हाल से मुतालिक इजलास हुआ, जिसके दौरान उनका कहना था कि कुदरती आबी गुजरगाहों पर इमारतें बन गई हैं। नालों के साथ तजावुजात हैं जिसके बायस बारिश का पानी नहीं निकलता। मुराद अली शाह ने कहा सिर्फ नालों की सफाई मसले का हल नहीं, लोकल बॉडीज के पास एक बाकायदा मैकेनिज्म होना चाहिए। इजलास में वजीर बल्दियात ने कहा कि बारिश के दौरान वो सड़कों पर थे, अहम सड़कों से बारिश के रुकते ही पानी की निकासी कर दी गई थी। कुछ जगहों पर नाले चौक हुए जिससे कुछ मसाइल पैदा हुए थे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज शहर के शुमाली इलाकों में शदीद बारिश के बाद सड़कें और नशेबी इलाके जेरे आप आ गए थे। शहर में सैलाबी कैफियत पर सोशल मीडिया पर भी सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया था। पंजाब में ताजरों ने स्मार्ट लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया। लाहौर, फैसलाबाद और दीगर कई शहरों में दुकानें खोलने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। मजाहमत करने पर मुतादे ताजरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया।
मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईद पर कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन के पहले रोज कारोबार बंद रखने के अहकामात पर ताजर बरादरी हुकूमत से नाला है। लाहौर, रावलपिंडी, झंग समेत कई शहरों में ताजरों ने दुकानें खोलने की कोशिश की। लाहौर की आजम मार्केट में इंतजामिया और पुलिस में तलख कलामी भी हुई। फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान की जानिब से रेल बाजार से घंटा घर चौक तक रैली निकाली गयी। ताजरों का कहना था कि कारोबार में पहले ही बहुत नुकसान का सामना है, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुकानें खुलने पर पुलिस भी हरकत में आ गई और फौरी बाजारों में गई, जवाबी एक्शन करके शॉप्स बंद करा दी। तलख कलामी और मजामत करने पर ताजरों को गिरफ्तार भी किया। पंजाब में 5 अगस्त तक लॉकडाउन है। तमाम बाजार, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स, कारोबारी इदारे, होटल मुकम्मल तौर पर बंद रखने के अहकामात हैं। मेडिकल स्टोर्स, सब्जी, किरियाना, बेकरी, दूध दही की दुकानें खोलने की इजाजत है। होटलों पर टेक अवे, होम डिलीवरी 24 घंटे जारी रखी जा सकती है। चेहरे पर मास्क और हाथों में ग्लव्स पहने पोलियो वैक्सीन वर्कर्स ने 4 माह बाद अपने काम का दोबारा आगाज कर दिया। कोरोना वायरस की वबा के बायस गुज़िश्ता मार्च से पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम को रोक दिया गया था, जिसका आगाज 20 जुलाई से 8 लाख बच्चों को कतरे पिलाने के टारगेट को दोबारा शुरू किया गया है। ये टारगेट 5 रोज में हासिल किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेहरे पर मास्क और हाथों में ग्लव्स पहने पोलियो वैक्सीन वर्कर्स ने 4 माह बाद अपने काम का दोबारा आगाज कर दिया। कोरोना वायरस की वबा के बायस गुज़िश्ता मार्च से पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम को रोक दिया गया था, जिसका आगाज 20 जुलाई से 8 लाख बच्चों को कतरे पिलाने के टारगेट से दोबारा शुरू किया गया है। ये टारगेट 5 रोज में हासिल किया जाएगा। पोलियो मुहिम के अफसरान के मुताबिक वबा के दौरान पोलियो मुहिम को दोबारा शुरू करने का मकसद पोलियो की बीमारी के दोबारा जोर पकड़ने के ख्याल को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। यूनियन काउंसिल कम्युनिकेशन सपोर्ट ऑफिसर गुलाम मुहिद्दीन ने बताया, हमें सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त कोरोना वायरस के लिहाज से हमारे पास है और इसकी पूरी एहतियाती तदबीर के साथ हम फील्ड पर जा रहे हैं और हमने सैनिटाइजर भी यूज कर रहे हैं और मास्क भी यूज कर रहे हैं और उम्मीद है कि कम्युनिटी के तामुन से हम इस पोलियो हम अपने पाकिस्तान को पोलियो फ्री कर सकेंगे। दुनिया में 1988 से पोलियो के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के नतीजे में आज दुनिया के सिर्फ 3 ममालिक में पोलियो के केसेस मौजूद हैं, जिनमें शामिल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया है, जहां पोलियो के केसेस रह गए हैं। बैनुल अक्वामी इदारा सेहत के मुताबिक पोलियो केसेस में 99.9% काबू पा लिया गया है। आज से 30 साल कबल दुनिया के 125 ममालिक में 3,25,000 बच्चे हर साल पोलियो के मर्ज में मुबला हो जाते थे। बैनुल अक्वामी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए हर मुमकिन तआवुन किया जाएगा। पोलियो के एक इमरजेंसी सेंटर के अलामिये के मुताबिक पोलियो के कतरे पिलाने वाले वर्कर्स को हिदायत की गई है कि वो बच्चों को और अहले खाना से फासला बरकरार रखते हुए कतरे पिलाने का अमल जारी रखें। पोलियो वर्कर्स का कहना है कि वालदैन अपने बच्चों को इस लाइलाज बीमारी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। एरिया सुपरवाइजर समीना महमूद, जो कि एक पोलियो मुहिम में घर घर जाकर अपने फराइज सर अंजाम दे रही हैं, उन्होंने वालदैन के लिए पैगाम देते हुए कहा कि अगर पोलियो टीम आपके दरवाजे पर वैक्सीन के लिए आ रही है तो आप इन पर ट्रस्ट करें, ना कि इन्हें परेशान करें। बल्कि आप इस चीज को देखें कि वो इस सिचुएशन में, कोविड सिचुएशन में भी आपके बच्चे की सेहत के लिए आपके दरवाजे पर है, तो आप भी इस चीज को जो है कि रियलाइज करें। WHO के अदादोशुमार के मुताबिक 2020 में अब तक पाकिस्तान में 60 पोलियो केसेस सामने आए हैं। ये तादाद 2017 में 8, 2018 में 12 थी। 2019 में तादाद में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया और केसेस की तादाद 147 तक पहुंच गई। डॉक्टर कैसर सज्जाद ने पोलियो की मुहिम पर बात करते हुए कहा कि आवाम को पहले ये समझना होगा कि पोलियो है क्या और इसे क्यों पिलाना जरूरी है। आपके घर में बच्चा है कोई तो उसको अपाहज होने से बचा ले। बच्चा पैर से माजूर हो सकता है, बच्चे की जान भी जा सकती है इसको ये अगर सीने के ऊपर अटैक करता है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में मजहबी इंतहा पसंदों ने इस अफवाह के बाद के पोलियो के कतरे पीने के बाद बीमार हो रहे हैं देहातों पर वाके पोलियो सेंटर्स पर धावा बोल दिया और सेंटर्स को नजर आतिश कर दिया था। इन वाकयात में एक लेडी पोलियो वर्कर और 2 पुलिस अहलकार गोली लगने से हलाक हो गए थे, जिसके बाद पोलियो मुहिम को रोक दिया गया था। हॉकी के साबिक ओलंपियन और कप्तान असद मलिक एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर गए, जबकि उनकी बेटी भी शदीद जख्मी हुई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
असद मलिक का ताल्लुक हॉकी फैमिली से है। इनके छोटे भाई सईद अनवर के अलावा भतीजे अंजुम सईद और नईम अमजद भी ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। ये पाकिस्तान की वाहिद फैमिली है जिसके चार अफराद ने ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। असद मलिक ने एशियन गेम्स में 2 गोल्ड के अलावा 1 सिल्वर मेडल भी जीता है। 1962 की जकार्ता एशियन गेम्स में पाकिस्तानी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था जिसमें असद मलिक भी शरीक थे। 1966 बैंकॉक में मुनकदा एशियन गेम्स में पाकिस्तानी टीम ने सिल्वर मेडल जीता और असद मलिक इस टीम का भी हिस्सा थे, जबकि 1970 की बैंकॉक एशियन गेम्स में पाकिस्तान टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, इसमें भी असद मलिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर खालिद सज्जाद खोकर, सेक्रेटरी ओलंपियन आसिफ बाजवा ने असद मलिक के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।